अच्छी से सी सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं, आशा की सीढ़ी पे पांव पांव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मुझे आपने काजी साहब के साथ होने वाली ज्यादती का मुजरिम ठहराया था। कहना क्या चाहते हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस इसमें सिर्फ एक नाम का इजाफा करना चाहता हूँ। मैंने अम्मी से हम दोनों के बारे में बात। अरे अम्मी से इतनी जल्दी बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इस तरह की शादियाँ ज्यादा अरसे चलती नहीं है। ये बड़े लोग कुछ अरसे के लिए शादी करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। किसके कहने पे किया जा रहा है? What can I say, sir? अगर कलकला को आपकी बीवी ने कहा कि दानिया को छोड़ दो तो आप इसकी क्यों फिक्र कर रही हैं? जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। फिक्र कैसे ना करें, बाद में बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आपकी जो भी शरायत है वो मुझे मंजूर। ठीक है, मैं कुछ सोचने का वक्त दे। मेरी भी आपसे एक दरख्वास्त है कि ये बात हम लोगों के दरमियान में ही रहनी चाहिए, और मुझे भी कुछ वक्त चाहिए शादी करने के लिए। कितना वक्त? देखिए कुछ मामलात हैं जो मुझे सीधे करने हैं, उससे पहले मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। चाहे जितनी देर हो जाए। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि ज्यादा देर नहीं होगी। मुझे तो ये सब कुछ बड़ा पुर इसरार सा लग रहा है। काई साहब इत्माद कीजिए मुझ पर, और यकीन रखिए इस बात का कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। ठीक है, हमें कुछ वक्त दे। जब तक शादी नहीं हो जाती दानिया ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहेगी। जी मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है। वो तो आज अचानक एक मीटिंग ऐसी निकल आई थी जिसकी वजह से हमें देर हो गई। आइंदा इंशाल्लाह आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है नवील साहब, हम आपको जल्दी बता देंगे। बड़ी मेहरबानी, बस कोशिश कीजिएगा कि ये बात हमारे ही दरमियान में रहे। मैं इजाज़त चाहूँगा। आइए मैं आपको बाहर छोड़ूं। जी खुदा हाफिज। आपको खुलकर बात करनी चाहिए थी उससे। तुमने अपनी बेटी की आवाज सुनी थी, उसके हक में एहतजाज करते हुए? क्यों, क्या हुआ था? हाँ, मेरा ख्याल है वो उसे खुश रखेगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कोशिश कीजिए सारे मामला जल्दी हल हो जाए। मैंने आपसे कहा है ना फिक्र मत कीजिए, एंड आई मीन इट। कल सुबह ऑफिस में मुलाकात होती है।
नवीद उठ यार, हर वक्त सोता रहता है यार। मुझे लगता है कि नबील को हम पे शक हो गया। शक हो गया? वो कैसे? एक बार पहले भी मैं उसका पीछा कर रहा था और वो गाड़ी इधर उधर घुमाता रहा, और आज भी उसने यही किया। यार अब इस काम को खत्म करें, मैडम को रिपोर्ट भिजवाओ और मामला खत्म करो। लेकिन मैडम को बताने के लिए हमारे पास है क्या? यार जितना है उतना बता दें, बाकी मैडम जाने या नबील साहब, अगर मैडम चाहेंगी तो उस लड़की से मेल करवा देंगे। नहीं, मेरा ख्याल है वो लड़की मैडम को मेल नहीं करेगी। मैंने देखा उसे बड़े गौर से, उसकी चाल देखी है, उसका उठना बैठना देखा है, बड़ा एतमाद है उसमें। अरे यार अब तू इतना चस्का ना ले, समझा? हाँ वो बुआ डिवाइस उतार गाड़ी से, वो भिजवा मैडम को, और तस्वीरें हैं, ये सब कुछ काफी है यार। और हाँ वो बुआ, उस लड़की के साबक मंगेतर का क्या बना? कुछ नहीं पता चला यार उसका, वो अचानक से गायब हो गया। फोन लगाना था। क्या था? बंद है तो जहां रहता है वहां चला जा। ओ गया था यार, कुछ नहीं पता चला उसके बारे में। चल खैर दफा कर, उस लड़की के साबक आशिक से मिल ले, शायद कुछ मिल जाए। ये हो सकता है उससे मिलूं और फिर मैडम को रिपोर्ट दूं। मैडम को रिपोर्ट दो, अभी नहीं, जब मैडम वापस आएंगी तब बताएंगे। मैं भी ये सोच रहा हूं। कहां हो इतने दिनों से नबील, कुछ पता ही नहीं चल रहा। फोन करती हूँ तो उठाते नहीं हो, क्या हो रहा है? तुम पहले से थोड़ी सी वीक नहीं हो गई? शुक्र है तुम्हें नजर तो आया। कहाँ हो तुम, कब से कह रहे हो आना है आना है, कब आओगे? अरे यार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई सूरत नहीं बन पाई। नबील मैं तुम्हें हर पल मिस कर रही हूँ। क्या करूँ यार, सब काम छोड़ तो नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते मेरी अपॉइंटमेंट है, बस तुम्हें आना होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेट मी ट्राई। क्या मतलब फिर कोशिश? अरे यार तुम्हें पता है कि क्रूशियल पॉइंट पे प्रोजेक्ट रुका हुआ है इस वक्त, सारी एड कैंपेन्स देखनी है मुझे, तुम तो जानती हो कि ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए। और मैं क्या जरूरी नहीं हूँ सारे सीन में? अरे हो तुम भी, मैंने कब कहा कि नहीं हूं। अच्छा चलो कोशिश करता हूँ, आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वैसे मेरे बगैर मेरा घर कैसा है? ठीक है, क्यों क्या बात है? किसी की दावत की थी क्या तुमने? नहीं। अरे हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, याद आया। तो तुम्हें किसने बताया? जेनी को फोन किया था ना, वो बता रही थी। कौन था? वो एक कॉलेज का दोस्त था मेरा, अमेरिका चला गया हुआ था, वो आया था तो मैंने कहा चलो खाने पे बुला लेता हूँ। ठीक है अब तुम आ जाओ ना प्लीज। कोशिश करता हूँ जल्दी आने की मेरी जान, यू डोंट वरी राइट। ओके बाय। इसका मतलब है कि जेनी रास्ते में, शुक्र है उस दिन दानिया उसके सामने नहीं आई, वरना पता नहीं क्या हो जाता।
मेरे ख्याल में मुझे लंदन चले जाना चाहिए और वहीं जाके कोई ग्रह बनानी चाहिए। वालेकुम सलाम। बाबर आप हैं? जी आप कौन हैं? मुझे आपसे एक जरूरी काम था। सॉरी यार पर मैंने आपको पहचाना नहीं। छोड़े इस बात को कि मैं कौन हूँ, कहीं बैठ के बात करें, बात जरा लंबी है। अरे बैठ भी जाएंगे यार, बुरा ना मनाना, पर आप ना थोड़े मुझे मशकूक टाइप के लग रहे हो। जरा बात शुरू करो, पता चले क्या बात है, फिर देखते हैं बैठना है या क्या करना है। चले सीधे बात पे आते हैं। दानिया नाम की किसी लड़की को जानते हो? क्या दानिया? दरअसल दानिया का रिश्ता हो रहा है और लड़के वालों के जहन में किसी ने गलत फहमी पैदा कर दी है कि दानिया का तुमसे कोई चक्कर था। तुम लोगों के दिल में किसी ने गलत फहमी डाल दी तो तू तस्दीक करने के लिए मेरे पास चला आया? उसके पाक साफ होने में उतनी ही हकीकत है, उतनी ही सच्चाई है जितनी इस बात में कि तेरा गाल लाल है। अभी निकल यहां से, वरना इतना मारूंगा ना मैं कि खुद को पहचान नहीं पाएगा। चल चल, तूने अच्छा नहीं किया, चल निकल। तानिया, तानिया। बाबर क्या चाहते हो? बात करनी है तुमसे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। तुम क्यों बार बार मेरी जिंदगी में आ जाते हो? मेरी बात सुन ले, शायद थोड़ी तलाफी हो जाए मेरी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ ना, बात सुन ले। अच्छा क्या बात है? यहाँ बात करेंगे, बैठ के यहाँ चल के बात करते हैं। बैठ जा, पहले कभी नहीं बैठी। पकड़ नहीं तो गिर जाएगी। मुझे नहीं पता तुम्हारी शादी कहाँ हो रही है, पर जहाँ पर भी हो रही है उन्होंने एक बंदा भेजा था मेरे पास, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो तुमने क्या कहा? वही जो मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ कि तुम बहुत ही पाक साफ और मुकद्दस लड़की हो। मगर वो तुम्हारे पास क्यों आया मेरे बारे में पूछ? पता नहीं, जवाब देना मेरा फर्ज था, सो वो दे दिया मैंने। एहसान जता रहे? बस अपना कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा। क्या समझते हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया उस सब के बावजूद? जानता हूं जो मैंने किया ना वो माफी के लायक नहीं है। तुम्हें पता है कुछ लोग ना पैदाइशी दलेर होते हैं,
और कुछ को वक्त दलेर बना देता है। मैं शायद दोनों में से ही नहीं, इसलिए कभी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाऊंगा कि तुमसे यह कह सकूं कि मुझे माफ कर दो। खुद को हौसला देने के लिए तुम्हें तावीलें खूब घड़नी आती हैं। तुम जो चाहे कह सकती हो, पर सच तो यही है। मुझे तुमसे बहुत नफरत थी बाबर, अब वो भी नहीं रही। जानते क्यों? क्योंकि तुम मेरी नफरत के काबिल भी नहीं रहे। तुम किसी काबिल भी नहीं हो। अरे मुझे मेरी नजरों में इतना भी नहीं गिराओ यार, मैं तो पहले ही जिंदगी को एक समझौते की तरह गुजार रहा हूं। दलेर नहीं हूं ना, जुर्रत नहीं कर सकता, वरना जुर्रत वाले लोग कभी समझौता नहीं करते। जिंदगी के दौराहे पे इस तरह जलील नहीं होते। और मेरी किस्मत में तो पता नहीं ये जलालत कब तक लिखी है। खैर चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? क्यों करवाऊंगा तुम्हारे हवाले से इंक्वायरी में? बोलो। बाबर ने मुझे खुद बताया। उसने कहा है कि जहां तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, और ये बात या आप जानते हैं या मेरे घर वाले। देखो रही बात बाबर की, तो मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। जब तुम बता चुकी हो मुझे बाबर के बारे में, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसके बारे में इंक्वायरी करवाने की? तो नबील फिर कौन कर रहा है हमारा पीछा? कौन है वो? मुझे क्या मालूम, ये तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसीलिए तुमसे टाइम मांग रहा हूँ कि पहले इस मामले को हल कर लूँ। मुझे तो सचमुच में डर लगने लगा है। डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब कैसी तबीयत है काजी साहब की? अब तो ठीक है अल्लाह का शुक्र है। चलो शुक्र है अल्लाह का, वरना फालिज के मरीज तो बिस्तर पर पड़े पड़े ही दम तोड़ देते। बस खुदा का शुक्र है। बहन, दानिया का रिश्ता कहीं देखा है? हाँ कोशिश कर रहे हैं। अरे बहन, अब वो दौर नहीं रहे कि लोगों के घरों में रिश्ते आए, अब लड़की वालों को खुद ही देखना पड़ता है। बस राजदा, ऐसे ही हालात हैं। मेरी बात मान, तो जितनी जल्दी हो सके अपने सर से बोझ उतार कर फेंक दे। कैसी बातें कर रही हो राजदा, वो मेरी बेटी है, कोई बोझ नहीं है। मेरा कहने का मतलब था कि उसकी उम्र ज्यादा हो रही है और लोग आजकल बड़ी उम्र की लड़कियों को पसंद नहीं करते, फिर दूसरी शादी वाले को करता है। अब ये अकमल साहब की बेटी को ही देख लो, कितनी ज्यादा उम्र हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका रिश्ता करवाया है। आदमी के दो बच्चे थे और बीवी को कैंसर था। अकमल साहब तो मान ही नहीं रहे थे। वो तो उनकी बीवी ने अकलमंदी की जो शादी कर दी, वरना लड़की ने और बूढ़े हो जाना था। अभी ऐसे बुरे हालात भी नहीं हुए हमारे। हालात तो बहन ऐसे ही हैं। तू मुझे ये बता, वो जो लम्बी सी गाड़ी में आता है वो कौन है? कौन? वो जिसके साथ दानिया आती है? हाँ, उनकी कंपनी में काम करती है दानिया। कभी लेट हो जाए तो छोड़ने आ जाते हैं। हाँ, शक्ल से तो भला इंसान ही मुझे लगता है। हाँ काफ़ी अच्छे। लेकिन बाहर तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं ना। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं बहन, जितने मुंह उतनी बातें। बताओ तो सही, बात क्या है? बहन बात करूँगी तो गीबत हो जाएगी, तू तो बहन लगती, इसलिए मैं तुझे कह रही थी कि बस बंदा किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकता ना, लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। पहेलियाँ बुझवाए जाओगी या बताओगी भी? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है जिस मोहल्ले में हम रहते हैं ना, उसमें ऐसे कोई आता भी तो नहीं है ना। जिसको जो कहना है मेरे सामने आके कहे। अरे बहन, मैंने तो वैसे ही बात की थी, तुम तो गुस्सा ही कर गई हो। जाकर चीनी तो ला दे, चीनी काम है चाय में। अच्छा लाती। तो वाह
भले की बात ही ना किसी को करो, अब ये दौर ही नहीं रहा। सर मकान की पूरी पेमेंट हो गई है, एक दो दिन में रजिस्ट्री हो जाएगी और अब आपके साथी अकाउंट में कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करना है, ये मकान मेरे नहीं बल्कि दानिया के नाम करवाना। दानिया के नाम? मैं और दानिया शादी कर रहे हैं। ओके, ये बात अपने तक ही रखिएगा। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहें, किसी को पता नहीं चलेगा और रजिस्ट्री भी उनके नाम हो जाएगी। एक चीज जो मुझे बहुत तंग कर रही है वो ये कि निगरानी सिर्फ मेरे अकेले की नहीं हो रही है, दानिया की भी हो रही है। इसका मतलब है सर के हमारे इर्द गिर्द रहने वालों में से कोई है। और यही हमें मार्क करना है कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बस जितनी जल्दी हो सके इस बंदे का पता लगवाओ। ठीक है सर। दवाई खा ले। काजी जी, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, कुछ नहीं। मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। हाँ? क्या बातें करने लगे हैं? अच्छा खैर छोड़ें, अगर आपने फैसला कर लिया है तो नबील को बुलाकर अपने मतालबात बता दें। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हम मुतालबा कर भी सकते हैं कि नहीं। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? अरे बली मानस, रिश्ते कभी मुतालबात से नहीं बामी मोहब्बत से चलते हैं। लेकिन हमारी बेटी के मुस्तकबिल की भी तो कोई जमानत हो। बस निकाह पढ़वा दूं अपनी बेटी का। हमारी एक ही तो बेटी है और आप कहते हैं कि बस निकाह पढ़वा दो, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही होता है। आपको कैसे पता कि ऐसे ही होता है? मैंने दुनिया देखी है, ऐसे ही होता है। काजी जी, मैं अपनी बेटी की शादी इस तरह नहीं करूंगी। मेरी कुछ शरायत हैं जो उसे पूरी करनी होगी। तो फिर ठीक है, दानिया से कहो नबील को बुलवाए और बात कर लेते हैं। हम कहाँ आ रहे? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? हाँ? कैसे सरप्राइज? अरे आओ तो। ये किसका घर है? ये तुम्हारा घर है। क्या मतलब? हाँ,
बताओ ना। ओ माय गॉड, नबी, ये मेरा घर है? सीरियसली? ओह गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मुझे अभी तक यकीन नहीं यार, आप सच कह रहे हैं, वाकई मेरा घर है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा घर है। अच्छा है? अच्छा, बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैंने कहा कि सरप्राइज देना है तो कोई बहुत अच्छा सा सरप्राइज दो। बहुत बड़ा सरप्राइज है, ऊपर देख रहा हूँ। हाँ खुश हो? बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा। वो अम्मी आपसे मिलना चाह रही थी। क्यों, खैरियत? पता नहीं, कोई बात करनी है। तो मिल लेंगे अम्मी से? अभी आए तो वापसी पे मिलते हुए जाए ना। नहीं, आज मुझे वापसी में थोड़ा सा काम है, आज तो नहीं मिल पाऊंगा मैं। कल जरूर मिल लीजिएगा उनसे। कल मिल लेंगे, चले। थैंक यू। क्या हो रहा है? चाय बना रही हूँ बेटा। चाय मैं बनाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तेरे हाथ खराब हो जाएंगे। तो मेरी माँ के हाथ तो खुद से जाएंगे ना। क्या बात है, आज बड़ा ख्याल हो रहा है माँ का। बस मैंने सोचा माँ की थोड़ी खिदमत कर ली जाए, एक आदर्शवादी बेटी की तरह। कोई बात तो ज़रूर है, आज मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है। हाँ बात तो है। अच्छा बताएगी नहीं क्या बात है? अब नहीं, पहले हम चाय पियेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, उसके बाद बताऊंगी। लगता है कोई बहुत खास बात है आज। लेट्स सी, आइए। दानिया, मैंने कहा था तुझसे कि नबील से कहे वो हमारे घर आए। मम्मी मैंने कह दिया था शाम को आ जाएंगे। बेटा मैं चाहती हूँ बात किसी ठिकाने लग जाए तो मोहल्ले वाले भी बात करने लगे। क्या बातें करने लगे मोहल्ले वाले? चल छोड़, जब तेरी शादी हो ही जानी है नबील से तो पता चल जाएगा मोहल्ले वालों को। लेकिन लेकिन तेरे अब्बा की तो कोई शर्त नहीं है, मगर मुझे रखनी है कुछ शरायत। शरायत? क्या मतलब अम्मी? नबील आएगा तो उसको बताऊंगी। अम्मी वैसे बड़े अफसोस की बात है, अब नबील को समझ नहीं सके। क्या मतलब? अभी आती हूँ। पता नहीं क्या करती फिर रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या है? ये वो मकान है जो नबील ने मेरे नाम कर दिया है। अभी भी आप उसे गलत कहेंगे। ये सब क्या हो रहा है, तू हमें कुछ बताती क्यों नहीं है? अम्मी मैं क्या बताती, मुझे खुद कल पता चला है, सरप्राइज दिया उन्होंने मुझे। अच्छा फिर भी मेरी कुछ शरारत है। अब वो क्या है? नबील को ही बताऊंगी। ठीक है, आ जाएगा तो बता दीजिएगा, वो भी पूरी कर देगा। तू इस अंदाज से क्यों बात करती है मुझसे? तेरी माँ हूँ मैं, कोई दुश्मन नहीं हूँ। क्या हो गया है तुझे? अम्मी मैं क्या करूँ, आप बातें ऐसी करती हैं। हेलो। हे, सारा वीकेंड सोके गुजारने का इरादा है क्या? अरे एक ही तो दिन मिलता है सोने के लिए, तुम कैसे उठ जाती हो इतनी जल्दी? अच्छा बताइए, आज आ रहे हैं ना? अरे आज शाम को तो नहीं आ सकूंगा। क्यों? कल तो आपने खुद कहा था, और आपके कहने पे मैंने अम्मी को भी बता दिया आप आ रहे हैं, प्लीज आ जाए ना।
अरे यार, मैंने कहा ना कि मैं कोशिश करता हूँ, कुछ जरूरी काम है। नबील, इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? प्लीज प्लीज आ जाए, प्लीज। अरे यार, क्या तुम बच्चों की तरह जिद शुरू कर देती हो करनी? मैंने कहा ना कि जरूरी काम है, नहीं आ सकूंगा आज। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तबीयत तो ठीक है? हाँ यार, ठीक हूँ मैं। नहीं, कुछ गड़बड़ है, बोले ना, क्या हुआ है? कुछ नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आ जाऊँ बस। अच्छा ठीक है। अच्छा, आने से पहले मुझे बता दीजिएगा। बता दूंगा भाई। ओके बाय। वैसे यार, तेरे साथ जो हुआ, पता नहीं उसका क्या नतीजा निकलता है। कुछ नहीं होगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। अगर उसने बात कर दी तो क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना वो मुझे जानता है ना किसी और को। और वैसे भी मैंने बात गोलमोल ही की थी। पर अब करना क्या है? मेरा ख्याल है मैडम आ जाएं, सारी बात उन्हें बता देते हैं, फिर जैसा वो कहेंगी वैसा कर लेंगे। ठीक है, पर यार वो डिवाइस तो निकाल लो गाड़ी में से। फिकर ना कर, आज जाऊंगा तो निकाल लूंगा। वैसे सही अंदाजा तो उस डिवाइस के सुनने के बाद ही होगा कि क्या खिचड़ी पकी है। यार वैसे एक बात है। क्या? नबील साहब दाने बड़े बड़े अच्छे मारते हैं। तुझे दानों की पड़ी है, ये सोच के अगर कोई खिचड़ी पक गई तो मैडम हमारा क्या हशर करेंगी? कोई हशर नहीं करेंगी, मैंने पूरा निजाम फिट कर रखा है, ऐसे नहीं यहां तक पहुंचा। ठीक है, अल्लाह करे जैसा तू कह रहा है वैसा ही हो। ऐसे ही होगा जैसा मैं कह रहा हूं। फिर तो बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल है चले निकलना चाहिए। ये तो काफी फिक्र वाली बात है सर। इसका मतलब है कि मैडम के जासूस हर जगह हैं। और मेरा ख्याल है सर कि आपकी और दानिया जी के बारे में जितनी भी बातें हैं, यही शख्स मैडम तक पहुंचा था। हाँ, लेकिन नहीं, अभी उसे उसके बारे में पता नहीं चला। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? अगर उसे इन बातों का इल्म होता तो वो सारे काम छोड़ के चली जाती। अभी ये मुझ पर सिर्फ नजर रखे है, कंफर्मेशन नहीं हुए इसे किसी चीज की। ये अभी दानिया के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा है। हो सकता है सर, एक काम क्यों ना करें सर? जितने भी पुराने मुलाजमीन हैं जो सेठ साहब ने भर्ती किए थे या जो मैडम के मंजूर नजर हैं, उनको फारिग कर देते और एक नई टीम तश्कील देते। इससे तो बात कंफर्म हो जाएगी कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। तो फिर क्या करें हम? इंतजार करें, जब तक कोई सिरा ना हाथ लग जाए इंतजार करें। देख लें सर, इंतजार में गड़बड़ ना हो जाए। नहीं होते, बल्कि मैं तो दानिया से ये कहने वाला हूं कि वो ऑफिस से छुट्टी ले ले, ना वो ऑफिस आएगी ना किसी मुसीबत में फंसेगी। ठीक है सर, आपकी मर्जी, मेरी जहां भी जरूरत हो मैं आ सकता हूं। सर आप बैठे, मैं देखता हूं। हाँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब की गाड़ी लेनी थी, सर्विस करवानी थी। ओके। सर गाड़ी की चाबी कहाँ? गाड़ी की चाबी तो सामने टंगी, क्यों खैरियत? वो बशीर आया, कह रहा है कि गाड़ी की सर्विस करवानी है। हाँ वहां से दे दीजिए उसे। ठीक। ये तुमने किसी ड्राइवर को बुलाया था? हाँ हाँ, वो अमजद का कजिन है, अमजद नहीं भेजा है। तो अमजद कहाँ है? उसे छुट्टी मांगी थी मैंने, उसे दे दी। जल्दी आना। ठीक है सर। तुम इसको लेके जरा अंदर बैठे, मैं आता हूँ। खैरियत है सर? आप है सर? आप किसके लिए कर रहे हो? सर वो सब सर मैडम मैडम क्या मैडम? सर मुझे ये सब कुछ करने के लिए मैडम ने कहा था। क्या क्या कहा था मैडम ने? मैडम ने कहा था कि साहब पे नजर रखना, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। सब शुंबुल की दफा भी तुम्हें थी ना? जी सर। सर आप इसे छोड़ें, मैं इसको ठीक करता हूँ। इस पे तो ऐसा केस बनवाऊंगा ये कभी बाहर नहीं आएगा। नहीं सर, सर इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो वही किया जो मुझे मैडम ने करने के लिए कहा था। सर सर मुझे माफ़ कर दें सर, मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। खैर है, मेरा क्या कसूर है? मैं बताऊं तुम्हारा क्या कसूर है, है? क्या बताओ, क्या करूं तुम्हारे साथ है? क्या करूं, उड़ा दूं? सर मुझे माफ़ कर दें सर। सर मैंने जो कुछ किया मैडम के कहने पे किया, सर मुझे माफ कर दें। चल ठीक है, माफ किया तुझे मैंने, अब क्या करेगा? मैडम से जाके बोलेगा? बोल, क्यों नहीं बोलता? नहीं सर, सर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप जो कहेंगे सर मैं वो करूंगा। चल फिर सुन, आज से तू मैडम के लिए नहीं मेरे लिए काम करेगा। जो तुझे मैं समझाऊंगा तू वही जाके मैडम से बोले, कुछ समझा? जी जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा सर। अजमत जा ले जाए इसे। चल उठ उठ चला। मुबारक हो। देखिए जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो
लेकिन आपको कभी मारे और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो फिर किसे चुनेंगे आप? हर सपने को जी जी करती है, हाय क्या